मजा आ रहा है ना आपको? मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है बताइए, क्योंकि मजा आपको आना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी। वापस जंगल आ गया हूं मैं, अभी जंगल से कुछ दिन और लाइफ करेंगे जब तक भगवान नहीं चाहते। चलो वीडियो बताता हूं आपको। इस वीडियो में आदित्य ठाकरे का अब डायरेक्ट उनका अंदर जाना तय हो गया है, क्योंकि मोदी जी अब मोदी की उंगली कर दिया, अब मोदी भी इस केस में पीछे पड़ गया। अब मोदी चाहते हैं कि आदित्य अंदर जाए। क्या है ये पूरा मामला, क्या है ये पूरी चीज, क्या सुशांत सिंह राजपूत से रिलेटेड है, कहां से आई है, क्या है, इस वीडियो में आपको मैं जरूर बताऊंगा। लेकिन एक ही तो रिक्वेस्ट करता हूं यार, हेल्प तो करते नहीं हो लेकिन एक रिक्वेस्ट तो सुन लिया करो। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, इस वीडियो को शेयर जरूर करो, ताकि आप लोगों ने अगर सब्सक्राइब कर लिया तो आपके लोगों के पास पहुंचाओ, और वो लोग अगर शेयर करेंगे तो एक हेल्प मिलेगी आगे के लिए, और सुशांत के जस्टिस के लिए हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास ये बात पहुंचा सकते हैं। और अगर आपके एसएसआरएन लोग के आपके सोशल मीडिया पे सिर्फ सुशांत के फ़ैन होंगे, ये फेसबुक पे ज़रूर पोस्ट करिएगा, क्योंकि फेसबुक मेरा हैक हो चुका था, तो वो फेसबुक के लोग मेरे पास नहीं है, जो बहुत ज़्यादा हाई मैक्सिमम अमाउंट में है सुशांत के फ़ैन। तो आप फेसबुक पे मैक्सिमम लोगों तक एक बात पहुँचाइए, ताकि ये सुशांत की लड़ाई चलती रहे। दिस इज़ द मैन मोटिव, वरना मैं दूसरे काम करूँ ना यार, बहुत सारे और काम हैं, मेरे को बहुत जुगाड़ करने हैं, पैसे रहने का ठिकाना नहीं है। चलो इस वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करना, सब्सक्राइब ज़रूर करो इस चैनल को। चलो आगे बढ़ते मैं बता देता हूँ क्या बातें हैं। नरेंद्र मोदी के मतलब हमारे पीएमओ के एक नेतृत्व में, मतलब उनके अंडर में बहुत सारे काम निकलते हैं। ऐसे ही आपको एक काम बता, ऐसे बहुत सारे प्रोजेक्ट निकलते हैं और वो प्रोजेक्ट दिए जाते हैं सीएम को, होम मिनिस्टर के थ्रू या अलग अलग मंत्रियों के थ्रू। और जब ये प्रोजेक्ट निकाले जाते हैं तो किसी ना किसी और का भी हाथ होता है। मतलब मैं एग्जांपल समझाता हूँ इस प्रोजेक्ट में क्या हुआ। ये प्रोजेक्ट था नरेंद्र मोदी के थ्रू एक प्रोजेक्ट निकला, मैं ये भी कनेक्ट करके बताऊँगा कि इसमें कैसे हमारे केस का भी इन्वॉल्वमेंट है। प्रोजेक्ट मतलब सुशांत के केस का कैसे इन्वॉल्वमेंट है ये भी बताऊँगा आगे। इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि लास्ट में बताऊंगा इसमें कैसे क्या होगा, क्योंकि ये ज़रूरी है पहले समझाना है सारी डिटेल। नरेंद्र मोदी के अंडर में एक प्रोजेक्ट आया, वो इसमें ये आया कि तिरुपति बालाजी, पता है आपको तिरुपति बालाजी बहुत बड़ा मंदिर है, मैं भी उसको उसमें बहुत साल पहले एक बार गया था और बहुत मानता हूँ मैं भी। और एकता कपूर तो जो पूरा का पूरा बालाजी प्रोडक्शन जो बना है वो उसी की दया है, ऐसा एकता कपूर बोलती है। अब आगे बढ़ता हूँ, तिरुपति बालाजी के एक वहाँ से एक चीज़ आई है, मतलब चीज़ आई है मतलब वहाँ से एक प्रोजेक्ट निकला है कि तिरुपति बालाजी हर जगह उनका मंदिर होना चाहिए, जो ऑलरेडी आंध्रा में इधर उधर है, मेन तिरुपति बालाजी उधर है लेकिन बाकी हर जगह भी होना चाहिए, ये प्रोजेक्ट है। तो महाराष्ट्र में मुंबई में एक मुंबई ईस्टर्न साइड और मुंबई वेस्टर्न एक्सप्रेस साइड में होना चाहिए प्रोजेक्ट, ठीक है। अब ये मंदिर बांधने वाला जो प्रोजेक्ट होता है वो किसी नेता को दिया जाता है, फिर वो नेता बोलते हैं मुंबई में ऐसी कौन सी जगह है जिसमें ये प्रोजेक्ट डाला जाए। तो फिर मिलिंद मोरे या अनिल मोरे करके कोई शिवसेना के आदमी है, उनकी बात हम बाद में करेंगे, बताता हूँ अभी पहले क्या है। फिर वो जगह ढूंढी जाती है कि मंदिर कहाँ बांधा जाए। अब वो मंदिर बांधने के लिए एक जो जगह मिली वो थी पर्यावरण की जगह। पर्यावरण मंत्री कौन थे? आदित्य ठाकरे। आदित्य ठाकरे की पर्यावरण मंत्री थे तो पर्यावरण की वो जगह है, जैसे मतलब पर्यावरण मंत्री जिम्मेदार होता है अगर ये जगह, जैसे एक एग्जांपल बता रहा हूँ, जैसे ये जगह है, अब ये पर्यावरण में आती है गवर्नमेंट के अंडर में, तो ये पेड़ पौधे हैं यहाँ पे, तो ये पर्यावरण मंत्री डिसाइड करेंगे कि ये जगह किसी और को दी जा सकती है या नहीं दी जा सकती है। अगर ऊपर से ऑर्डर है तो पर्यावरण मंत्री फिर उसमें साइन करेंगे, तभी ये जगह होगी और ये सब चीज़ें होती है, उसकी फॉर्मेलिटीज डिटेलिंग नहीं पता, लेकिन पर्यावरण मंत्री के ऊपर आती है। लेकिन जो वो जगह जो मोदी के ऑफिस से सिलेक्ट होके, जगह नहीं मतलब सिलेक्ट होके आई थी जो प्रोजेक्ट कि बालाजी का मंदिर बनेगा मुंबई ईस्ट में मुंबई वेस्टर्न में, तो उसके आदित्य ठाकरे के अंदर मोरे करके कोई है, वहाँ से मार्च 2022 में ये बांधने का प्लान था, लेकिन वो मंदिर अभी तक नहीं बंधा। और वो मंदिर की जगह जो थी 10 एकड़ ये और 10 एकड़ ये, 10 एकड़ बहुत बड़ी बात है, 10 एकड़ में जितने पेड़ पौधे होते हैं उस पेड़ पौधों में पता नहीं मतलब पेड़ पौधे वहाँ थे या नहीं, लेकिन 10 एकड़ मतलब मैं कैसे बताऊँ आप, एग्जाम्पल यहाँ पे मैं हम सब लोगों ने एक साथ जगह तो नहीं देखी होगी लेकिन बहुत बड़ी जगह होती है, तो 10 एकड़ की जगह ये 10 एकड़ की जगह ये,
और कहा जाता है ये दोनों मिला के 500 करोड़ की प्रॉपर्टी है। अब वो 500 करोड़ की प्रॉपर्टी अभी तक मंदिर बना नहीं, और 500 करोड़ की प्रॉपर्टी का क्या हुआ क्या नहीं, इसका कोई सोल्यूशन नहीं है। मोरे करके आदित्य ठाकरे के अंडर में है, कहा जाता है आदित्य ठाकरे के ऊपर अब ये केस मोदी जी के ऑफिस की तरफ से होगा और मोदी जी इसको उठा के, क्योंकि देखो अनिल देशमुख गए, सचिन वाजे तो वो पुलिस वाले हैं, उसका कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है, इनके ऊपर नेता होते तो वैल्यू है, पुलिस वालों के वरना कोई वैल्यू नहीं। तो बचा कौन, ये अनिल देशमुख गए, अब वह नवाब मलिक गए, अब संजय राउत को भी डाला, अब बचे उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे, मतलब अपोजिशन में, मेन अपोजिशन में वो शरद पवार को डालना बड़ा मुश्किल है बीजेपी के लिए, क्योंकि वो कर रहे काम, लेकिन देखो गलत तो सभी ने किया है, गलत आपको क्या लगता है, गलत बीजेपी वालों ने नहीं किया, उन्होंने भी किया, सब ने किया है कांड, लेकिन सरकार अब बीजेपी की है तो दूसरे लोग जाएंगे अंदर, क्योंकि कांग्रेस के पास इतना दिमाग नहीं है, वहाँ कोई दिमाग वाला है ही नहीं आदमी, जो था महाराष्ट्र में शरद पवार उन्हीं की वजह से अब तक ये बचते रहे थे क्राइम करने के बाद भी, लेकिन इसका कोई सोल्यूशन नहीं है। अब लेकिन ईडी, क्योंकि ईडी पहले जाती है, ये लोग ईडी को क्यों भेजते, क्योंकि इनको अंदर ऊपर नहीं भेजना, इनको अंदर भेजना है, ऊपर भेजना होता तो बात अलग थी, ऊपर नहीं भेजता कोई भी नेता किसी दूसरे नेता को, वो अंदर भेजता है, भाई तू अंदर रहे कुर्सी पे मैं बैठूंगा, तू अंदर रहे आराम से, यही है, कोई ऊपर नहीं भेजता भाई, किसी को इंसाफ से कोई इंटरेस्ट नहीं है। अब इसमें क्या हुआ, अब तीसरा नंबर या तो उद्धव ठाकरे जी का आता है या आदित्य ठाकरे का आता है, तो आदित्य ठाकरे को उन्होंने इस तरह से टारगेट किया क्योंकि ईडी, अब क्या होता है सुशांत सिंह राजपूत के केस में या फिर कोई और केस में नाम आए हैं, किस किस के नाम आए हैं, उस केसेस में कितने एविडेंसेस है, क्या है, किसके नाम है क्या है, लेकिन उस केस में या फिर कोई और केस में अगर आप ये करोगे, इन्वेस्टिगेट करोगे और उनको सबूत भी मिल गए, सब कुछ हो गया है जितना मुझे समझ में आ रहा है, लेकिन उस केस में फिर डायरेक्ट किसी को भी ऊपर भेजना होगा, क्योंकि अगर केस सॉल्व करेंगे तो। लेकिन दूसरे केसेस में, ईडी में या फिर घोटाले में, इसमें क्या होगा, इंसान अंदर चला जाएगा, उसका नाम खराब होगा अंदर चला जाएगा, हो गया इनका काम, ऊपर भेजने की क्या ज़रूरत है, इसका फिर यूज़ करेंगे ना, निचोड़ लेते हैं लोग अच्छे से, बीजेपी हो कांग्रेस हो शिवसेना कोई भी ऐसा निचोड़ लेते हैं, ऐसा पिचकारी देखिए, पिचकारी हम मारते हैं ना, वो क्या करते हैं, ऐसा आपके अंदर घुसेड़ते हैं और पूरा खून निचोड़ लेते हैं इंजेक्शन की तरह। लेकिन पिचकारी इसके लिए बताया क्योंकि बड़ी होती है ना, बड़ी वाली पिचकारी 2-3 लीटर वाली, पूरा खींच लेते हैं, पूरा खून चूस लेते हैं और फिर वो ख़त्म हो जाता है, और खून थोड़ा थोड़ा चूसते ताकि ज़रूरत पड़ने पर चूसते रहे, ताकि वो भी अपना काम करता रहे, उसके अंदर खून बनता रहे और ये चूसते रहे। ये हर गवर्नमेंट करती है, कोई बात नहीं। तो आदित्य ठाकरे के ऊपर अब क्या बैठा है इन्होंने, 500 करोड़ का मामला, जो बीजेपी चाहेगी तो साबित हो जाएगा, सच क्या है क्या नहीं है वो तो भगवान मालिक है, लेकिन ये सच है कि जो भी खबर आई है सोर्स के हिसाब से और मीडिया में, यहाँ पे मैं डालने की कोशिश करूँगा कहाँ से मेरे को मिला, अब वो खबर के हिसाब से बालाजी का मंदिर का प्रोजेक्ट निकला था, वो नहीं बना, ईस्ट में वेस्ट में दोनों साइड से, और वो जमीन का 500 करोड़ का मामला अब डायरेक्ट पीएमओ ऑफिस से एक्शन होगा। ये जितने भी एक्शन होते थे सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से होते थे, लेकिन ये पीएमओ का ऑफिस से होगा, इसीलिए मैंने कहा कि अब खुद नरेंद्र मोदी जी अंदर डालेंगे आदित्य ठाकरे को और चालू करेंगे चूसना खून, ऐसी पिचकारी खींचना चालू करेंगे, वो लाइफ टाइम रहेगा। मैंने कहा ना, पिछले बार एग्जांपल दिया था नरेंद्र मोदी और सलमान खान का, सलमान खान को चूसती रहेगी बीजेपी लास्ट तक, जब तक वो जिंदा है तब तक, क्योंकि एक भी क्राइम कोई करता है, कोई भी फिल्म स्टार या क्रिकेटर या कोई नेता, जब जब उसका मदद की जरूरत होती है, जब जब उसकी जरूरत पड़ेगी, ये लोग अपना फायदा उठाते रहेंगे। यही अब मैं बताता हूँ सुशांत सिंह राजपूत के केस पे क्या इम्पैक्ट है, पहले से मैं अभी तक बता रहा, यही बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि लास्ट तक सुशांत सिंह राजपूत का इन्होंने एविडेंस, जो क्रिमिनल है उनको भी बता दिया होगा एविडेंस, ये लो एविडेंस है हमारे पास, इस इतने एविडेंसेस में तुम्हारा जुर्म साबित हो जाएगा, तुम अंदर चले जाओगे, क्योंकि ओपन एंड शट केस था, जो भी बड़े बड़े लोग हैं, जो भी है,
यहाँ मैं नाम नहीं लूँगा, जो भी बड़े बड़े लोग हैं उनको बता दिया होगा भाई ये एविडेंस है, अब क्या करना है बताओ, मुझे बचा लो। कोई भी बोलेगा जान है तो जान है बचा लो, तो फिर ठीक है ये काम करो, तो फिर ठीक है ये काम करो, फिर ये काम करो, फिर ये काम करो। अरे इंसाफ करके क्या होगा, जब तक पावर है, मैंने बताया जब तक पावर है तब तक इंसाफ नहीं होगा, क्योंकि वो क्या कहेगा, अच्छा ठीक है अंदर करोगे, कोई भी बड़ा इंसान होगा उसका बाप तो होगा ना कोई, बोले अच्छा मेरे बेटे को अंदर करोगे, ठीक है। ये कोई भी बड़ा इंसान हो, ये अडानी हो या टाटा हो या कोई भी हो, ठीक है, अब ये तुमको फंडिंग नहीं करेंगे, क्यों? तो फिर वो अडानी या कोई भी बड़ा आदमी बोलेगा अरे तुम कौन हो, पीएमओ है वो, मैं उसको उसको सपोर्ट करूँगा। अच्छा तो तेरे राज मेरे पास नहीं है क्या, पिछले बार पिछले लफड़े में जब हम पावर में थे तब तुमने क्या क्या किया था हमारे साथ, तो जैसे गुत्थी फंस जाती है, ये इंडियन सिस्टम ही ऐसा है, इसीलिए जब तक उसकी पावर सारी ख़त्म ना की जाए जेल में नहीं डाल सकते, इसलिए उसका फ़ायदा उठाते हैं लास्ट तक, यही उनको समझ में आता है, इसीलिए ईडी भेजते हैं। आपस में सेटलमेंट है, आपस की सेटलमेंट है, भाई साहब एक काम करो ना, थोड़ा देर बैठो ना अंदर, अंदर हम सबको कैरम वैरम खेलने देते हैं ना, शराब वराब सब देते हैं ना यार, टीवी वीवी सब है ना अंदर, है ना सब, संजय राउत अनिल देशमुख ये सब तीनों अलग अलग सेल में जरूर रह ले, लेकिन अंदर कैरम वैरम सब चल रहा है ना, पेपर के में अलग अलग है, तीनों बैठ के बातें करते होंगे। तो फिर सोचो आपस की जेल में कुछ, चलो आपको भी मालूम है क्या होने वाला है क्या क्या नहीं। इस वीडियो को शेयर ज़रूर करिए, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है कि ये लोगों तक पहुँचे, ताकि ये लोगों तक पहुँचे और कौन सा मुद्दा कौन से लोग उठा दे, जैसे लाल सिंह चड्ढा वाला उठाया तो लाल सिंह चड्ढा कहाँ पहुँच गया, तो ऐसे ही अगर ये मुद्दा शायद उठाए और हैशटैग वैशटैग चलाए और वहाँ तक पहुँचे, अब तो जनता पब्लिक क्या करती है, ट्विटर मीन्स वॉट, ट्विटर पर हैशटैग चलता है, ट्विटर फेसबुक इंस्टा जो भी हैशटैग चलता है, तो वहाँ पे क्या होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट देखती है अच्छा इतना पब्लिक चाहती है इसको अंदर करो, ओ तो जनता को तो पकड़ना पड़ेगा कभी ना कभी, तो थोड़ा बहुत इंसाफ होता है, यही सिस्टम है। चलो ऐसे ही वीडियो के साथ मेरे साथ बने रहिए, मैं आपके साथ आप मेरे साथ, इंसाफ के लिए।